अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पाक हैंडल्स लाइफ ऑन द रोड। मैं हूं अब्दुल वहाब नईम और आज की कार फॉर सेल की एपिसोड में आपके लिए इंतहाई शानदार और बहुत ही मुनासिब कीमत में 9 ऐसी लो बजट गाड़ियां लेके आए हैं जो कि आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत ही मुनासिब इनकी डिमांड है। अच्छा, मैं आपको ये बात पहले ही बता दूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं एक वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ताकि आपके लिए गाड़ी खरीदने में कोई मुश्किल ना हो। मुख्तसर सी डिटेल में हर गाड़ी के मुतल्लिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियोज़ अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, आप उस प्लेलिस्ट को जाके विजिट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियां हमारे पास चैनल पे अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। तो ओनर से कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसके ओनर से कॉन्टैक्ट करने का यही तरीका है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है जिसको आपने ज्वाइन करना है और वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके, यानी कि एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे पर्सनल इनबॉक्स करना है। जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट वीडियो में से उस गाड़ी का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिएगा तो मैं आपको उस गाड़ी के ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली गाड़ी जो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा जो अवेलेबल है फॉर सेल के लिए वो है टोयोटा क्रोला GLI 2017 का मॉडल है। करंट लोकेशन गाड़ी की अलामा इकबाल टाउन रहीमियर खान है। नंबर इस गाड़ी को लाहौर का लगा हुआ है, यानी कि 2017 में इस गाड़ी को लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाया गया है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। फ्यूल एवरेज ओनर के मुताबिक 12 से 14 की विद इन सिटी विद एसी ये गाड़ी आपको आराम से देगी। 17 से 18 तक की एवरेज ओनर के मुताबिक ये गाड़ी आउट ऑफ सिटी अगर आप मोटर वे पे या हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको देगी, और ओनर को भी ये गाड़ी इतना एवरेज दे रही थी विद एसी आउट ऑफ सिटी। इसके अलावा 90,000 किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी चली है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 45 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक होता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 34,25,000। जी 34,25,000 ओनर की डिमांड है। नेगोशिएट प्राइस होकर आपको 34 लाख के आसपास ये गाड़ी मिल जाएगी या इससे भी थोड़ा बहुत कम इस गाड़ी की कीमत हो जाएगी, ये आपकी डीलिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको ओनर के मुताबिक कोई मसला नहीं मिलेगा। टोकन टैक्स इस गाड़ी का अप टू डेट है। इससे अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो इससे अगली गाड़ी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टोयोटा क्रोला GLI 2014 का मॉडल है, ठीक है। करंट लोकेशन गाड़ी की गुज्जर खान है। नंबर इस गाड़ी को इस्लामाबाद का लगा हुआ है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। थ्रू आउट ये गाड़ी भी पेट्रोल पे चलाई गई है। फ्यूल एवरेज ओनर के मुताबिक 12 से 14 की विद इन सिटी विद एसी ये गाड़ी आपको आराम से देगी। 16 से 17 तक की एवरेज ओनर को भी ये गाड़ी आउट ऑफ सिटी दे रही थी और आपको भी इंशाल्लाह विद एसी आउट ऑफ सिटी ये गाड़ी 16 से 17 की एवरेज देगी। अभी तक गाड़ी 87,000 किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन चली है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 35,75,000। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, टोकन टैक्स इस गाड़ी का अप टू डेट है। इससे अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो इससे अगली गाड़ी जो नंबर 3 पे हमारे पास अवेलेबल है वो है टोयोटा क्रोला GLI 2016 का मॉडल। करंट लोकेशन गाड़ी की MA कार्स GT रोड साहिवाल है। नंबर इस गाड़ी को लाहौर का लगा हुआ है, यानी कि 2016 में इस गाड़ी को लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाया गया है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। फ्यूल एवरेज ओनर के मुताबिक 12 से 14 की विद इन सिटी विद AC ये गाड़ी देगी आपको आराम से, और 17 से 18 तक की एवरेज आउट ऑफ सिटी अगर आप मोटर वे पे या हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो इंशाल्लाह ये गाड़ी 17 से 18 की एवरेज विद AC आउट ऑफ सिटी आपको देगी। अभी तक गाड़ी 85,600 किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन चली है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 36,40,000। जी 36,40,000 ओनर की डिमांड है। जो भी मैं आपको गाड़ियां बता रहा हूं उनकी प्राइस मौके पे नेगोशिएट हो जाएगी, ये फिक्स एंड फाइनल ओनर की डिमांड नहीं है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। गारंटी ओनर के मुताबिक इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की। टोकन टैक्स इस गाड़ी का अप टू डेट है, यानी कि अब तक का सारा टोकन टैक्स पेड है। इसके अलावा अब चलते हैं चौथी गाड़ी की तरफ। चौथी गाड़ी जो अवेलेबल है फॉर सेल के लिए वो है टोयोटा क्रोला GLI 2017 का मॉडल ही है ये भी। करंट लोकेशन गाड़ी की कराची है। नंबर इस गाड़ी को सिंध का लगा हुआ है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। अभी तक ये गाड़ी 71,000 यानी कि 71,000 किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन चली है। इसकी डिमांड जो ओनर कर रहे हैं वो है 35,75,000। नेगोशिएट प्राइस होके आपको 35 लाख के आसपास ये गाड़ी फिक्स एंड फाइनल मिल सकती है, ये आपकी डीलिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको सारी गाड़ियों की डिटेल बता रहा हूं। तो इससे अगली गाड़ी जो अवेलेबल है हमारे पास फोर सेल के लिए नंबर 5 पे वो है टोयोटा क्रोला आल्टस 1.6 2017 का मॉडल है, जिसे के 2018 में लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाया गया है। करंट लोकेशन भी गाड़ी की लाहौर है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। और इसके अलावा बात की जाए फ्यूल एवरेज की तो 11 से 13 की विद इन सिटी विद AC ये गाड़ी आपको आराम से देगी, और इसके अलावा 16 से 17 तक की एवरेज ओनर को भी ये गाड़ी आउट ऑफ सिटी दे रही थी और आपको भी ये गाड़ी इंशाल्लाह आउट ऑफ सिटी इतनी एवरेज देगी। और इसके अलावा 84,000 किलोमीटर
बिल्कुल जेन्युइन ये गाड़ी चली है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 47 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक होता है। 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 43 लाख, यानी कि 43 लाख ओनर की अर्जेंट सेल पे डिमांड है। नेगोशिएट प्राइस मौके पे हो जाएगी। 1.6 आल्टस है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। टोकन टैक्स इस गाड़ी का भी अप टू डेट है। तो इसके अलावा जो अगली गाड़ी नंबर 6 पे हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, वो है टोयोटा करोला GLI 2009 का मॉडल है। करंट लोकेशन गाड़ी की लाहौर है। नंबर इस गाड़ी को लाहौर का ही लगा हुआ है। 2009 में इस गाड़ी को लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाया गया है। फर्स्ट ओनर कार है, फैमिली यूज में गाड़ी रही है और फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की भी पेट्रोल है। थ्रू आउट ये गाड़ी भी पेट्रोल पर चलाई गई है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 24,50,000। नेगोशिएट प्राइस हो जाएगी और नेगोशिएट प्राइस होकर आपको ये गाड़ी 24 लाख के आसपास मिल सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। टोकन टैक्स इस गाड़ी का भी अप टू डेट है। इससे अगली गाड़ी जो नंबर 7 पे हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, वो है टोयोटा करोला GLI 2017 के एंड का मॉडल है। फेस अपलिफ्ट मॉडल है और न्यू शेप के साथ, यानी कि ये गाड़ी है। करंट लोकेशन गाड़ी की कराची है। नंबर इस गाड़ी को सिंध का लगा हुआ है। फ्यूल एवरेज ओनर के मुताबिक 13 से 15 की विद इन सिटी विद एसी ये गाड़ी आपको आराम से देगी। 17 से 18 तक की एवरेज विद एसी आउट ऑफ सिटी ये गाड़ी आपको आराम से देगी। अभी तक गाड़ी 43,000 किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन चली है। काफी लो माइलेज गाड़ी है। 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 42,50,000, यानी कि 42,50,000 ओनर की अर्जेंट सेल पे डिमांड है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी गाड़ियां मैं आपको बता रहा हूँ उनकी प्राइसेस नेगोशिएट मौके पे जाके हो जाएंगी, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक कोई मसला नहीं मिलेगा। टोकन टैक्स इस गाड़ी का भी अप टू डेट है। इसके अलावा जो अगली गाड़ी नंबर 8 पे हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, वो है टोयोटा करोला XLi कन्वर्टेड टू GLI 2010 का मॉडल है। करंट लोकेशन गाड़ी की जेल रोड लाहौर है। नंबर गाड़ी को लाहौर का लगा हुआ है। अभी तक गाड़ी 2 लाख किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन चली है। 2010 का मॉडल है तो इतना ये गाड़ी इजीली चलना बनती है, ज्यादा नहीं चली। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड जो है ओनर की वो है 18,75,000। नेगोशिएट प्राइस होके आपको 18 लाख के आसपास ये गाड़ी भी मिल जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक कोई मसला नहीं है। टोकन टैक्स इस गाड़ी का भी अप टू डेट है। इसके अलावा जो नंबर 9 पे गाड़ी अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, वो है टोयोटा करोला GLI ऑटोमेटिक 2015 का मॉडल है। करंट लोकेशन गाड़ी की इस्लामाबाद है। नंबर भी इस गाड़ी को इस्लामाबाद का लगा हुआ है। 2015 में ये गाड़ी इस्लामाबाद के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाई गई है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। अभी तक गाड़ी 1,24,200 किलोमीटर के करीब बिल्कुल जेन्युइन चली है। 2015 का मॉडल है तो इतना ये गाड़ी चलना बनती है। 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। डिमांड जो ओनर की है वो है 35,50,000। नेगोशिएट प्राइस होके आपको 35 लाख के आसपास ये गाड़ी भी मिल जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। टोकन टैक्स इस गाड़ी का अप टू डेट है। तो इसके अलावा जो नंबर 10 पे हमारे पास आज की डेट में गाड़ी अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, वो है टोयोटा करोला GLI ऑटोमेटिक 2017 का मॉडल है। करंट लोकेशन इस गाड़ी की मॉडल टाउन लाहौर है। नंबर भी गाड़ी को लाहौर का लगा हुआ है। 2017 ही में ये गाड़ी लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड करवाई गई है। फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की पेट्रोल है। फ्यूल एवरेज ओनर के मुताबिक 12 से 14 की विद इन सिटी विद एसी ये गाड़ी आपको आराम से देगी। 17 से 18 तक की एवरेज ओनर के मुताबिक ये गाड़ी आपको आउट ऑफ सिटी, अगर आप मोटरवे पे या हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये गाड़ी देगी विद एसी। इसके अलावा 1,05,000 किलोमीटर बिल्कुल जेन्युइन अभी तक गाड़ी चली है। 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही ये गाड़ी है। डिमांड जो ओनर की है वो है 35,95,000। नेगोशिएट प्राइस होके आपको 35,50,000 या इससे भी थोड़ा बहुत कम ये गाड़ी मिल जाएगी। ये आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है। जैसी आप ओनर से डील करेंगे वैसी कीमत में आपको गाड़ी मिल जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में ओनर के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। टोकन टैक्स इस गाड़ी का अप टू डेट है, यानी कि अब तक का सारा टोकन टैक्स पेड है। तो ये थी वो 10 गाड़ियां जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल थी फॉर सेल के लिए। तो इसके अलावा ओनर से कॉन्टैक्ट करने का तरीका एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसको आपने ज्वाइन करना है और वहां से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके, यानी कि एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे पर्सनल इनबॉक्स करना है। जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट, तो मैं उस गाड़ी के ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप इस गाड़ी की इस वीडियो की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास काफी ज्यादा गाड़ियां फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। आप चैनल विजिट करके देख भी सकते हैं, काफी ज्यादा गाड़ियां फॉर सेल के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा कार्स फॉर सेल के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप उस प्ले लिस्ट को जाकर भी विजिट कर सकते हैं। काफी ज्यादा गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो कि अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। ये मैंने आपको सिर्फ वो गाड़ियां बताई हैं जो कि टोयोटा करोला हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफी ज्यादा गाड़ियां अवेलेबल हैं, होंडा की, टोयोटा की, किया की, सुजुकी की, सारी गाड़ियां हमारे पास हर ब्रांड की अवेलेबल हैं। आप चैनल को एक बार विजिट कर लें, आपको लाजमी आपके अपने बजट के मुताबिक गाड़ी मिल जाएगी। काफी ज्यादा गाड़ियां हमारे चैनल पे अवेलेबल,
हैं फॉर सेल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें मैं एक ही वीडियो में आपको काफी ज्यादा गाड़ियां बता दूं कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए, उसके लिए आप लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें कि आपके लिए ऐसी वीडियोस भी चैनल पे अपलोड किया करूं जिसमें मैं एक ही वीडियो बना के आपको बता दिया करूं कि ये गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय से हमें आगाह करें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी करें क्योंकि काफी मेहनत लग के ऐसी वीडियोस बनती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज। तो इसी तरह अगर आपकी भी कोई गाड़ी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि हम आपकी गाड़ी का रिव्यू बनाएं और विद इन अ वीक आपकी गाड़ी सेल हो जाए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसको आपने ज्वाइन करना है, और वहां से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके यानी कि एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर लेके पर्सनल इनबॉक्स करना है। आपने जो भी आपकी गाड़ी की डिटेल है और पिक्चर्स आपने डे लाइट में लेके शेयर करनी है तो आपकी गाड़ी पर भी हम ऐड बना के लगा देंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर भी, फेसबुक पेज पर भी, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपकी ऐड को लगा दिया जाएगा। तो विद इन अ वीक इंशाल्लाह आपकी गाड़ी सेल हो जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। अल्लाह हाफिज़।